वेलकम टू अपर्णा सीक्रेट बॉक्स। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मिसी पूरी बनाना देखेंगे। तो मिसी पूरी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप बेसन लिया है, 1/4 कप रवा यानी सूजी ली है, 2 टेबलस्पून तेल लिया है मोयन के लिए, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है, नमक स्वाद अनुसार लेना है, 2 टीस्पून अजवाइन लेना है और 1 टीस्पून हींग लेना है। पानी आटा गूंदने के लिए लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं और इस बाउल में हम गेहूं का आटा डालेंगे। बेसन डालेंगे उसके बाद में, सूजी यानी रवा डालेंगे। सूजी या रवा, बारीक या जाड़ा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो हम ले सकते हैं। हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हींग डाल देंगे, नमक डाल देंगे और अजवाइन डालेंगे। अजवाइन में हम हथेलियों पे अच्छे से मसल के डालेंगे ताकि उसका एक अच्छा ही फ्लेवर आ जाए। और ये सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अपना आटा गूंथ लेते हैं। तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमें जो आटा गूंथना होता है पूरी के लिए तो वो थोड़ा कड़क गूंथना है। पूरी के लिए हम कड़क आटा इसलिए गूंथते हैं ताकि हमारी जो पूरी हो वो फुली फुली हो और उसके ऊपर के जो पपड़े वो भी अच्छे क्रिस्पी हो। तो देखिए इस तरीके से हमारा आटा होना चाहिए। इसे अच्छे से मसल लेते हैं। देखिए हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और उसे अच्छे तरीके से मसल लेंगे। ये हो गया है अच्छे से मसलना। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने देंगे, उसके बाद हम अपनी पूरियां बनाएंगे। 15-20 मिनट पूरे हो गए हैं और हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें लोई तोड़ना है। ये देखिए ये हमारी जो लोई है वो तोड़ के पूरी रेडी है। अब सबसे पहले हम अपना गैस शुरू कर देते हैं और अपना तेल जो है वो गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये तेल जब तक गर्म होता है तब तक हम अपने गोले बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारे गोले रेडी है। अब हम इसकी पूरियां बेलना शुरू करते हैं। तो हम एक गोला लेंगे, उसको थोड़ा सा तेल लगाएंगे और पूरी बेलना शुरू करेंगे। तेल हम इसीलिए लगाएंगे ताकि जो हमारी पूरी है वो नीचे चिपके ना। तो इस तरीके से हम पूरियां बेल लेंगे। अब हम अपना तेल चेक कर लेते हैं। जो हमने गैस पे गरम रखा था वो गरम हो गया है क्या? तो इसमें हम आटे का छोटा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल रेडी है। और इसमें अब हम अपनी पूरियां डाल देंगे।
देखिए हमारी जो पुड़िया है बहुत अच्छी फूली है और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। दूसरी पुड़िया भी डाल देते हैं। और पूरी डालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी फ्लेम है गैस की वो डालते समय फुल पे रखनी चाहिए, और एक बार पूरी डाल दिए उसके बाद हमें मीडियम पे कर लेनी चाहिए ताकि जो हमारी सब पूरियाँ हो वो एक जैसी तली जाए और फूले भी एक जैसे, उसका कलर भी एक जैसा आए। ये देखिए ये भी रेडी हो गई, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी पूड़िया बनके रेडी है और इसे हम बच्चों के टिफिन में या ट्रैवलिंग में लेकर जा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।